आज कोलगेट भारत के 50% से ज्यादा घरों की पसंद बन चुकी है। और अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले माइंड में कोलगेट याद आता है। तो कैसे कोई ब्रांड आपकी माइंड की साइकोलॉजी तक पहुंच सकता है, ये इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोलगेट भारत में आया, उसने इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे करके आज मार्केट का लीडर बन के बैठा हुआ है। तो आइए कोलगेट की जर्नी को हम 5 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। यही है सर्वोत्तम सुरक्षा आपकी और ऐश्वर्या की भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों, कोलगेट की शुरुआत सबसे पहले विलियम कोलगेट ने करी थी 1806 में। उस समय ये सोप और कैंडल्स बनाया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने जार्स में टूथपेस्ट बनाना भी चालू कर दिया, उसका नाम इन्होंने कोलगेट रखा। और वो जार समय के साथ बदलते हुए एक टूथपेस्ट में आने लगी और धीरे धीरे ये मार्केट चेंज होता रहा। वहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट दिए कि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा बेटर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी परफेक्ट हो चुके हैं, तो हम जार को रिप्लेस कर रहे हैं टूथपेस्ट से, मतलब जो पैकेट आता है आज के डेट में उस टाइप के पैकेट से भी इन्होंने लाया था। तो कोलगेट्स अपनी मार्केटिंग के लिए बहुत ही फेमस रही है। तो जब 1937 में कोलगेट भारत आ रही थी तो उस समय बहुत ही टफ था उनके लिए मार्केट को आना, क्योंकि इंडिया में देशभक्ति बहुत ज़्यादा पॉपुलर हमेशा से रही है और कोई बाहरी ब्रांड जब इंडिया में आता है तो उसको हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए पहला पॉइंट हम समझते हैं, द राइट टेस्ट। कोलगेट ने भारत का टेस्ट सबसे पहले समझा। जब वो भारत में आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि डाबर जैसे ब्रांड्स इंडिया में यहाँ पे टूथपेस्ट बेच रहे हैं, और उस समय टूथपेस्ट ऐसे नॉर्मल फॉर्म में नहीं हुआ करती थी। जो भी कंपनियाँ टूथपेस्ट बेच रही थी वो उसका टेस्ट कुछ दवाइयों जैसा हुआ करता था, मतलब जो भी आप अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो आज के जैसा टेस्ट कभी नहीं हुआ करता था। और जितने भी ब्रांड थे वो या तो कुछ लिक्विड्स दे रहे थे या कुछ चूरन के फॉर्म में दे रहे थे। कोलगेट को यहीं पर एक इंडिया में गैप समझ में आया। उसे दिखा कि भारत के मार्केट में लोग एक अच्छा टेस्ट भी चाहते हैं, और लोग को छोड़िए बच्चे तो कम से कम चाहते ही हैं कि हम सुबह का जो टूथपेस्ट करें उसका टेस्ट अच्छा हो। तो कोलगेट ने यहाँ पे अपना टूथपेस्ट जब इंडिया में लॉन्च किया तो उसका टेस्ट उन्होंने बहुत ही अच्छा कर दिया। अब ये लोगों को बहुत अच्छा क्लिक किया, क्योंकि अभी तक जब लोगों की सुबह की शुरुआत होती है तो एकदम कड़वे से किसी चीज़ के साथ होती थी जिससे लोग ब्रश किया करते थे। अब यहाँ पे जब कोलगेट ने नया एक फॉर्मूला लाया वो थोड़ा सा टेस्टी लगता था, थोड़ा सा मीठा लगता था, थोड़ा सा ठंडा लगता था, वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा, स्पेशली बच्चों को। और बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस ब्रांड को सपोर्ट करना चालू कर दिए, और इस तरह से कोलगेट अपनी टेस्ट की वजह से लोगों के बीच में खासा पॉपुलर हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये मासेस से कनेक्ट नहीं हुआ था, अभी तक बच्चे ही जुड़े थे, लेकिन बहुत बड़ी एक सेल नहीं हुई थी। तो कोलगेट ने यहाँ पे दूसरी एडवर्टीजमेंट टेक्निक यूज़ करी। आइए समझते हैं। कोलगेट को ये पता था अगर हमें मासेस को अपने साथ जोड़ना है तो हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपने साथ करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने चूज किया बच्चों को। कोलगेट भारत के मार्केट में ये समझ चुके थे कि ज़्यादातर बच्चे ही जाते हैं अपने मदर या फादर के साथ मार्केट में सामान लेने। तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं अगर बच्चों को ये अपने साथ कर लिए तो बच्चे कोलगेट ही लेके वापस घर आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च किया। वो ये था कि ये स्कूल्स जाया करते थे और बच्चों का ओरल ट्रीटमेंट किया करते थे, बच्चों के ओरल हेल्थ में क्या इश्यूज़ हैं वो सब ये चेक किया करते थे, और साथ में एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश और एक पैम्फलेट दिया करते थे। आपको भी अगर मिला है तो आप भी कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। ये इन्होंने 2004 में एड कैंपेन शुरू किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बच्चों को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करना चालू किया। जब बच्चे वहाँ से घर आते थे तो रास्ते में जो भी पैम्फलेट हुआ करते थे वो रोड पे फेंका करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि रोड पे फेंकने के लिए कोई ब्रांड क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी इस ब्रांड की। जब बच्चे रोड्स पे फेंकते थे तो आने जाने वाले बहुत से लोग उस ब्रांड को देखा करते थे। इससे ये ब्रांड एक रिकॉल क्रिएट हुआ लोगों के माइंड में कि ये ब्रांड खासा पॉपुलर है इसलिए इसके इतने पैम्फलेट फेंके हुए हैं। लोगों को नहीं चाहते हुए भी ब्रांड कनेक्ट होता गया लोगों के साथ। और जब बच्चे घर आते थे वो टूथपेस्ट अपने घर पे दिखाते थे तो वही टूथपेस्ट घर में यूज़ होने लगता था लोगों के। अब जब एक टूथपेस्ट की आदत लग गई है तो अगली बार जब लोग दोबारा शॉप पे जाएंगे तो वही टूथपेस्ट उठा लाते थे। तो लोग इतना सोचने में अपना समय ही नहीं बर्बाद करते थे कि कौन सा ब्रांड का टूथपेस्ट लिया जाए। इस तरह से बच्चों को अपने साथ जोड़ने का फल ये हुआ कि ये ब्रांड मासेस से कनेक्ट हो गया और एक बड़ी ही पॉपुलेशन भारत की इनके साथ कनेक्ट हो गई। एक बार अच्छी ऑडियंस को जोड़ने के बाद कोलगेट हमेशा सेफ खेलना पसंद करती है। ये अपने रिसर्च और मार्केट पे ये काफ़ी कम इन्वेस्ट किया करती है। कोलगेट को ये चीज़ पता है कि हम टॉप पे इंडिया में बैठे हैं इस समय 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ, तो नीचे के जितने ब्रांड हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने रिसर्च प्रोसेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोलगेट चुपचाप बैठ के बस उन्हें देखा करती है, और जब वो मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च करते हैं और अगर लगता है कि वो लोगों तक क्लिक हो रहा है, कोलगेट 2 दिन के अंदर ही अपना वही सेम चीज़ लेके आ जाती है। जैसे कि हम बात करें कोलगेट हर्बल, डाबर ने हर्बल लेके आया तो कोलगेट ने भी लेके आ गया। यहाँ पे जब डाबर ने लॉन्ग वाला टूथपेस्ट लॉन्च किया कोलगेट ने भी तुरंत लॉन्च कर दिया,
यहाँ पे जब जितने ब्रांड्स नई नई चीजें लेके आते हैं कोलगेट मार्केट में उससे पहले लेके आ जाता है। यहाँ पे डाबर और यूनिलीवर जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कोलगेट वो प्रोडक्ट अगर पॉपुलर हो रहा है तो तुरंत अपना लॉन्च कर देती है, और कोलगेट का ब्रांड रिकॉल ज्यादा है तो लोग जल्दी कोलगेट ही खरीदते हैं। अभी जैसे कि हम बात करें कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कुछ ब्रांड्स ने अपना नया टूथपेस्ट लॉन्च किया, कोलगेट को ये चीज समझ में आ चुका था कि ये चीज भी लोगों से कनेक्ट हो जाएगी, तो अब कोलगेट ने भी अपना डायबिटीज वाला टूथपेस्ट लॉन्च कर दिया। अब इससे जब 3-4 ब्रांड के डायबिटीज वाले टूथपेस्ट मार्केट में रखे हैं तो सबसे ज्यादा ब्रांड रिकॉल किसकी है? कोलगेट की है, तो लोग कोलगेट ही खरीदेंगे। इस तरह से कोलगेट ज्यादा पैसे नहीं वेस्ट करते हुए अपने रिसर्च प्रोसेस में वो ज्यादा पैसे मार्केटिंग में लगाती है, और इसी तरीके से वो सेफ खेलते हुए भी वो मार्केट लीडर बनी हमेशा से बैठी है। इनका चारकोल वाला फ्लेवर इन्होंने अपना लॉन्च किया, और कई सारे फ्लेवर आज के डेट में कोलगेट के मिला करते हैं। वो सब कुछ इनके कंप्यूटर एनालिसिस के वजह से होते हैं, ये अपने कंप्यूटर को रिसर्च को देखते हैं, ये खुद रिसर्च नहीं करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है मार्केट में लीडर बने रहने का। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने कोलगेट को भारत में एक पकड़ दिलाई वो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कोलगेट जब भारत में आया था तो उसे ये चीज़ समझ में आ चुका था कि अगर हमें भारत में बिल्कुल पॉपुलर होना है तो हमें अपनी पहुंच गांव तक करनी पड़ेगी। आज की डेट में आप भारत के किसी भी गांव में जाइए आपको कोलगेट जरूर मिल जाएगा, और साथ में इन्होंने अलग अलग टाइप के पैकेट्स निकाल दिए, 200 ग्राम के, 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, 10-20 रुपए के भी इनके पैकेट्स आया करते हैं। मतलब जो बड़ा पैक नहीं खरीद सकता है वो छोटा खरीद ले कोलगेट का। कोलगेट चाहती है कि हम हर घर में बिकें, तो इस तरह से कोलगेट अपना प्रेजेंस मार्केट में इतना बड़ा बना के रख ली। वहीं दूसरी चीज़ जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी पैकेजिंग कुछ ऐसी करी जो कि लोगों ने सोची भी नहीं थी। इन्होंने रेड कलर की अपनी पैकेजिंग करी, तो जब लोग शॉप पे जाते हैं शेल्फ पे जितने भी टूथपेस्ट रखे होते हैं लोगों को सबसे पहले दिखाई देता है रेड कलर वाला टूथपेस्ट, और रेड वाला होता है कोलगेट, तो वही खरीदा जाता है ज़्यादा। तो कोलगेट अपने पैकेजिंग की वजह से भी भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती गई। अगर हम कोलगेट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करें तो वो सबसे बड़ी इनकी बैकबोन है। कोलगेट ने एक द स्माइल कैंपेन मार्केट में लॉन्च किया था, वो कुछ ऐसा कैंपेन था, इन्होंने कुछ फोटोज रिलीज किए। अब उसमें जो एक फीमेल थी उसके हाथ में 6 फिंगर्स थे, अब ये किसी का नहीं ध्यान गया उस पर, लोग उसकी स्माइल पे नजर थी। वहीं इन्होंने एक अगला कैंपेन लॉन्च किया, एक कपल बैठा था और एक हाथ पीछे से आ रहा था, तो लोगों ने उस पर नहीं ध्यान दिया, लोगों ने दोनों की स्माइल पर ध्यान दिया, और कोलगेट ने नीचे ये मैसेज अपना लिख दिया कि जब आपसे कोई पहली बार मिलता है तो वो उसकी नज़र आपके स्माइल पर होती है, तो आपको हमेशा अपनी स्माइल मेंटेन करनी है और इसलिए आप यूज़ करिए कोलगेट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिससे कोलगेट काफ़ी पॉपुलर होता गया। इन्होंने सेलिब्रिटीज़ को भी बहुत अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, जैसे कि हम बात करें MS धोनी के साथ इन्होंने ऐड कैंपेन किया, माधुरी दीक्षित के साथ किया, करीना कपूर के साथ किया, सारा अली खान के साथ इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन किया, कियारा आडवाणी के साथ इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन किया। इन्होंने उन्हीं लोगों को चूज़ किया जिसका फेस थोड़ा स्माइलिंग था और जो काफ़ी इंडिया में पॉपुलर थे। इसके साथ ही इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के साथ कुछ अच्छे ऐड कैंपेन्स किए, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, आपको नेचर की सुरक्षा करनी है, ये सोशल कॉज से अपने आप को हमेशा जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट हमेशा इनके ऊपर मेंटेन रहे। कोलगेट यहाँ पे कुछ अलग टाइप की भी मार्केटिंग यूज़ करती है, जहाँ पे मासेस गैदर होते हैं इंडिया में, जैसे कि हम बात करें कुंभ मेला, जहाँ पे कुछ दिनों के अंदर करोड़ों लोग आते हैं, कोलगेट वहाँ पे फ्री में टूथपेस्ट अपने बांटा करती है। अब यहाँ पे कोलगेट एक बड़ी ऑडियंस को इंडिया की अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाती है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स ये कुंभ मेले में लगा दिया करते हैं, फ्री में अपने टूथपेस्ट बांटा करते हैं ताकि वो टूथपेस्ट लेके लोग घर जाएंगे और घर में वही टूथपेस्ट यूज़ होगा और उसके बाद वही सेम टूथपेस्ट आएगा। तो ये होती है दोस्तों मार्केटिंग कैंपेन और मार्केटिंग के तरीके जो कोलगेट ने यूज़ किए, और इस वजह से कोलगेट आज भारत में नंबर 1 पोजीशन पे है 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ, और इसके बाद आता है यूनिलीवर, उसके बाद आता है डाबर। जब कोलगेट भारत में आई भी नहीं थी उस समय डाबर नंबर 1 ब्रांड था भारत का, लेकिन आज है कोलगेट, क्योंकि कोलगेट ने अपना टारगेट ऑडियंस समझ लिया, उन्होंने बच्चों को अपना टारगेट ऑडियंस बना लिया, और बच्चे जो बोलेंगे घर में छोटी मोटी चीज़ें तो उन्हीं के मन की आती है, ये कोलगेट को बहुत अच्छे से पता था और आज भी वो बच्चों को अपने साथ जोड़ने में बिल्कुल कामयाब है। तो दोस्तों ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप लगा के आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।